तो सबसे आगे तो इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारा धन्यवाद दिल से कि हमें मौका दिया बोलने का। और चलिए शुरू करते हैं परिचय के साथ कि अपना परिचय तो हम कुछ ऐसे देंगे कि हाय हेलो तो नहीं कहेंगे, हाँ हाउ आर यू के जगह कैसन बा पूछेंगे, हाउ आर यू के जगह कैसन बा पूछेंगे। और जो अगर आप जवाब में ठीक बा कहेंगे तो हम मुस्कुराकर ऑसम डैट्स ग्रेट के जगह गर्दा कहेंगे। और जो अगर आप फिर भी ना समझेंगे तो हम साफ साफ शब्दों में खुद को एक बिहारी कहेंगे। जी हाँ, एक बिहारी होना हमारी पहचान है, हम बिहार से आए हैं। तो परिचय तो हो गया, नाम है हमारा भाविनी तनु, प्यार से लोग तनु कहते हैं। अब क्योंकि हाय हेलो तो कहा नहीं, उसके जगह क्या कहेंगे वो सुनिए। कि कणकण में बसने वाले हम सब में भी हैं, कणकण में बसने वाले भगवान हम सब में भी हैं। तो नहीं होता कोई भी शख्स आम, होता है खास हर एक इंसान, इसलिए करते हैं हम आप सबको झुककर प्रणाम। तो अब तो कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, ये जो हमारा देश है भारत, युवा देश कहलाता है क्योंकि इसकी 65% आबादी है वो युवा कहलाती है, युवा आबादी कहलाती है। और कहा जाता है कि जिस देश का युवा जाग जाता है उस देश का सौभाग्य भी जाग जाता है। तो एज ए मिड बॉर्न 19 चाइल्ड, मैं मिड 90s में मिड बॉर्न हूँ, तो अपने नज़रिए से मैंने जो उसके बाद जो भारत की युवाओं में जो बदलाव देखे हैं उस पर मैंने ये कविता लिखी है। तो शुरू करते हैं कि कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवाओं को बदलते देखा है, कुछ इस तरह मैंने अपने देश को के युवाओं को बदलते देखा है। अपनी आज़ादी के लिए उन्हें अपनों से ही दूर जाते देखा है, अपनी आज़ादी के लिए उन्हें अपनों से ही दूर जाते देखा है। हाँ, पर्सनल स्पेस नाम की जो चिड़िया होती है मिडिल क्लासेस में रेयरली ही अवेलेबल होती है, तो उस पर्सनल स्पेस के लिए हमने उन्हें अपने शहर अपने घर से दूर रहते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते देखा है। पढ़ने लिखने की उम्र में, शिक्षा अर्जन करने की उम्र में, डेटिंग प्लेसेस पर निब्बा निब्बी कहलाते देखा है, डेटिंग प्लेसेस पर निब्बा निब्बी कहलाते देखा है। और मैं कूल हूँ ये कहकर अपने चंद रुपए की पॉकेट मनी को सिगरेट के धुएं में उड़ाते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते देखा है। व्यक्तित्व नहीं व्यक्ति के पीछे भागते देखा है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व नहीं व्यक्ति के पीछे भागते देखा है। इस ब्यूटीफुल के जगह लुक ब्यूटीफुल पर फोकस करते देखा है, फटी जीन्स पर प्राउड फील करते और धोती पहनकर लजाते हुए देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते हुए देखा है। छूट ना जाए कोई भी शौक कर लेते हैं जी भर कर मौज। लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी है ऐसा कहकर हफ्तों तक उन्हें नशे में धुत रहते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते देखा है। और हर चीज़ का स्नैप बनाने वाले और स्नैपचैट पर खेलने वालों को अब मैं अपडेटेड हूँ कहते रहते देखा है, वो कहते हैं कि मैं अपडेटेड हूँ। कीर्तन में शर्माते और डिस्को में इतराते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते देखा है। अपने शहर के तो दूर घर के मंदिर में भी नहीं झांकने वालों को शो ऑफ के लिए केदारनाथ जाते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते देखा है। पर हाँ, कई अच्छी बातों के साथ मैंने उन्हें बहुत ही खुले दिल का देखा है, बिना किसी को जज किए सबको मन से एक्सेप्ट करते हुए देखा है। हाँ, मैंने उन्हें अपने लिए बेबाक आवाज़ उठाते हुए भी देखा है, हर नादानी से संभलते हुए भी देखा है। मैंने उन्हें ज़माने के साथ बदलते देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते हुए देखा है, सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए भी देखा है और कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ सपनों की राह पर चलते हुए भी देखा है। कुछ इस तरह मैंने अपने देश की युवा पीढ़ी को बदलते हुए देखा है। धन्यवाद।